IBNI न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नवागत पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने लिया देवास जिले का चार्ज। बड़वानी से देवास स्थानांतरित होकर आए पुनीत गहलोत माता तुलजा भवानी चामुंडा माता टेकरी पर पहुंचकर किया पूजन अर्चन। किए माता तुलजा भवानी चामुंडा माता के दर्शन। देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिया देवास एसपी के रूप में चार्ज। संगठित अपराधों पर नियंत्रण और रोक लगाने की कही बात। देवास जिले के पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हाल ही में जिला बड़वानी से स्थानांतरण होने पर आज शाम को मैंने देवास जिले का बतौर पुलिस अधीक्षक प्रभार लिया है। माता जी के दर्शन के बाद जस्ट अभी हम एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और हमारे सभी जो एडिशनल एसपी साहिबान हैं, सारे एसडीओपीज हैं और जो लोकल टीआईज हैं, उन लोगों से अभी हमारा प्रारंभिक इंटरेक्शन हुआ है। कुछ चीज़ें हैं ज़िले के बारे में जो प्रथमतया और पहले ही दिन जानने की होती हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर जो ओवरऑल पूरा ज़िला है उसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधों पर नियंत्रण रहे, ख़ास तौर पर महिला एवं बच्चियों के विरुद्ध जो अपराध हैं वे ना हों, पुलिस की प्रेजेंस सुनिश्चित हो, जो संगठित अपराध हैं उनके ऊपर पुलिस की लगातार नकेल रहे, इन मुख्य बिंदुओं पर हमारा जोर रहेगा। और जैसे जैसे ज़िले की कुछ विशेष परिस्थितियां समझ में आएगी उस अनुसार भी हम विशेष अभियान भी चलाएंगे और रणनीतियां भी बनाएंगे। सर बालाघाट में आपने कई नक्सलियों को मार गिराया, देवास जिले में भी गंजे डेरों की एक बड़ी और मुख्य समस्या है, उनको सुधार में लाने के लिए क्या प्रयास रहे? देखिए हर ज़िले की अलग अलग समस्या होती है और उन समस्याओं के अलग अलग निराकरण होते हैं। तो जो समस्या आपने बताई उसको पहले हर एक एंगल से समझा जाएगा और उसका किस प्रकार से हम समूल निराकरण कर सकते हैं उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे और उसमें रिजल्ट भी देंगे। देवास में यातायात भी सर एक बड़ी समस्या है सर, जैसा बताया संगठित अपराध हर एक बड़े शहर की समस्या है और उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही। हम भी देवास की जो समस्याएं हैं इस एंगल से उनको समझेंगे और उनके विरुद्ध भी निराकरण कैसे किया जाए उनका, उसके लिए भी